कक्षा सप्तमी संस्कृतम एकादशा पाठ है, ग्यारहवा पाठ है। पाठ का नाम है अस्माकम पर्यावरणम। अस्माकम माने हमारा, पर्यावरण पर्यावरण हमारा पर्यावरण। अब पर्यावरण किसे कहते हैं देखेंगे यहाँ पर। या भूमि यलम यश्च वायु परितः विद्यते तत्सर्व मिलित्वा अस्माकम पर्यावरणम कथ्यते। या भूमि, या माने जो, देखिए या माने जो, ये स्त्रीलिंग में या माने जो होता है, यह माने जो पुल्लिंग में होता है, और यत माने जो नपुंसकलिंग में। यह यह या यत पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग। देखिए भूमि स्त्रीलिंग का शब्द है इसलिए भूमि के लिए या का प्रयोग, शब्द का प्रयोग होगा। या भूमि, जो भूमि, यत जलम, इसमें संधि विच्छेद करें, यत धन जलम, यत जलम जो जल, यश्च वायु, यह धन च, यश्च में संधि विच्छेद करेंगे, यह धन च यश्च वायु। तो जो भूमि, जो जल और जो वायु माने हवा, परितः, परितः माने चारों तरफ, परितः चारों, विद्यते माने है। तो जो भूमि, जो जल और जो वायु हमारे चारों तरफ है, तत् सर्वम माने वह सब मिलता मिलकर अस्माकम पर्यावरणम कथ्यते, हमारा पर्यावरण कहलाती है। स्वस्थम पर्यावरणम अस्माकम जीवनस्य आधारो अस्ति। स्वस्थ पर्यावरण अस्माकम जीवनस्य माने हमारे जीवन का आधार है। हमारे जीवन का आधार क्या है? स्वस्थ पर्यावरण। पर्यावरण स्वस्थ रहेगा, मिट्टी है, जल है, वायु अगर स्वस्थ रहेगा तो हमारा जीवन भी स्वस्थ रहेगा। तो स्वस्थ पर्यावरण हमारे जीवन का आधार है। पर्यावरणस्य चाधाराः पुष्पिताः पल्लविताः वृक्षाः भवन्ति। और पर्यावरण के आधार, पर्यावरणस्य पर्यावरण के च धन आधारा, आधारा च धन आधारा चाधारा च माने और पर्यावरण के आधार पुष्पित और पल्लवित वृक्ष होते हैं। पुष्पित पल्लवित का मतलब हरे भरे जीवित, जिसमें फूल है, पल्लव माने पत्ते हैं, उन्हें कहते हैं पुष्पित और पल्लवित माने जीवित वृक्ष। और पर्यावरण के आधार पुष्पित और पल्लवित वृक्ष है, अर्थात हरे भरे वृक्ष होते हैं। वृक्षा प्राण वायु प्रदाय पर्यावरणम स्वस्थम कुर्वन्ति। वृक्षा माने वृक्ष, प्राण वायु, प्राण वायु ऑक्सीजन को कहते हैं, प्राण वायु प्रदाय माने प्रदान करके, दे करके, प्रदाय प्रदाय देकर। तो वृक्षा प्राण वायु प्रदाय, वृक्ष प्राण वायु देकर पर्यावरण को स्वस्थ करते हैं। प्रत्येक प्राणी श्वसन क्रियायाम ऑक्सीजन वायु ग्रहण आती। प्रत्येक प्राणी, चाहे वह मनुष्य हो, चाहे पशु हो, चाहे पक्षी हो, कीड़े मकोड़े हो, सभी श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन वायु ग्रहण करते हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड वायु बही विसृजति, कार्बन डाइऑक्साइड वायु को बही माने बाहर, विसृजति माने छोड़ते हैं, विसृजति छोड़ते हैं, छोड़ता है। प्रत्येक प्राणी श्वसन क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड वायु को ग्रहण करता है, ऑक्सीजन वायु को ग्रहण करता है और कार्बन डाइऑक्साइड वायु को बाहर निकालता है। वृक्ष च और वृक्ष इसका उल्टा करते हैं, वृक्ष च और वृक्ष कार्बन डाइऑक्साइड वायु ग्रहणाति, कार्बन डाइऑक्साइड वायु को ग्रहण करता है और ऑक्सीजन वायु विसृजति, ऑक्सीजन वायु को बाहर निकालता है, छोड़ता है। माने जो जीव करते हैं, जो मनुष्य करता है, मनुष्य के उल्टे वृक्ष करते हैं। मनुष्य कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं, ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं, जबकि वृक्ष कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन को बाहर निकालते हैं। अनेन पर्यावरणम स्वस्थम भवति, इससे पर्यावरण स्वस्थ होता है। यथा फुफ्फुसम शरीरे कार्यम करोति तथैव पर्यावरणम वृक्षे संतुलनम संपादयन्ति। यथा माने जिस प्रकार फुफ्फुस फेफड़ा, जिस प्रकार फेफड़ा शरीर में कार्य करता है, तो फेफड़ा शरीर में क्या कार्य करता है? रक्त को शुद्ध करता है, शुद्ध करके पूरे शरीर में हृदय के पास भेजता है खून को, और हृदय पूरे शरीर में उसको चारों ओर घुमाता है, भेजता है। तो जिस प्रकार के शरीर में फुफ्फुस फेफड़ा कार्य करता है, तथा माने वैसे ही इस पर्यावरण में वृक्ष संतुलन बनाते हैं, वायु को शुद्ध करते हैं और पर्यावरण का संतुलन बनाए रखते हैं। फिर से देखें इस पंक्ति का अर्थ, जिस प्रकार फुफ्फुस यानी फेफड़ा शरीरे कार्यम करोत, शरीर में कार्य करता है, तथा माने वैसे ही पर्यावरण में वृक्ष संतुलन बनाते हैं। स्वावश्यकता या पूरयितुं वनानां स्थाने भवनानि यंत्रशालाः नूतनाश्च मार्गाः अस्माभिः निर्मीयन्ते। स्वावश्यकता या पूरयितुं
अपनी आवश्यकता को, स्व माने अपनी आवश्यकता, स्व आवश्यकता, स्वधन आवश्यकता, स्व माने अपनी आवश्यकता माने जरूरत, अपनी जरूरत को पूरा पूरा करने के लिए, पूरितम पूरा करने के लिए, बना नाम स्थाने बनो के स्थान पर भवन माने मकान, यंत्रशाला माने कल कारखाने, और नूतनाश्च मार्ग और नए नए मार्ग जैसे हाईवे एक्सप्रेस वे इत्यादि नए नए मार्ग अस्माभिः निर्मीयन्ते माने हमारे द्वारा बनाए जा रहे हैं। एतेन पर्यावरणस्य स्वाभाविकता नष्टा भवति, इससे पर्यावरण की स्वाभाविकता, इसके स्वभाव, पर्यावरण का स्वभाव, उसकी प्रकृति नष्ट हो जाती है। जो पर, जो हमारा पर्यावरण शुद्ध है उसकी शुद्धता समाप्त हो जाती है। एतेन पर्यावरणस्य स्वाभाविकता नष्टा भवति, इससे पर्यावरण की स्वाभाविकता नष्ट हो जाती है। बनानाम वृक्षाणाम च पातनेन, बनो और वृक्षों को पातन, पातन माने गिराना, पातनेन माने गिराने से, पातन माने गिराना, पातनेन गिराने से, बनो और वृक्षों को गिराने से भूमि प्रतिदिन आवरणेन हीना भवति, आवरणहीन हो रही है, हो रही है, माने पृथ्वी का जो आवरण है, भूमि का आवरण है वृक्ष है, इस और यह आवरणहीन धरती हो रही, वृक्षों को काटने से और जंगलों को समाप्त करने से। तो फिर से देखें, बनानाम वृक्षाणाम च पातनेन, बनों और वृक्षों को गिराने से भूमि प्रतिदिन आवरणहीन हो रही है, और आवरणहीना भूमि, आवरण से हीन भूमि, पर्याप्तम जलम अवशोषयितुम असमर्थ भवति, पर्याप्त जल को सूखने में असमर्थ होती है। यानी जो पेड़ पौधे हैं उसी वही पर्याप्त जल को सूख करके धरती के अंदर तक ले जाते हैं, जिससे जल का स्तर बना रहता है, ऊपर ही रहता है। और जब धरती पर से वृक्ष कट जाएंगे और धरती आवरणहीन हो जाएगी, तो धरती पर्याप्त जल को सूखने में असमर्थ हो जाती है। एतेन निदाघो वर्धते, इससे निदाघ, निदाघ माने गर्मी, इसे ताप भी कहते हैं, इससे गर्मी और ताप वर्धते माने बढ़ती है। अतः पर्यावरण से सुरक्षा अस्माभिः कर्तव्या, इसलिए हमें पर्यावरण की सुरक्षा करनी चाहिए, कर्तव्य हमारा कर्तव्य है, हमें पर्यावरण की सुरक्षा करनी चाहिए। भूमेः जलस्य वायोः प्राणीनां वनस्पतीनां वनानां च सुरक्षा अस्माकं कर्तव्यम्। भूमेः मन भूमि की, जलस्य जल की, वायोः मन वायु की, प्राणीनां प्राणियों की, वनस्पतीनां वनस्पतियों की, वनानां च और वनों की सुरक्षा अस्माकं कर्तव्यम्, हमारा कर्तव्य है। ग्रामेषु नगरेषु च अस्माभिः आसवर्धनशीला पादपाः आरोपणीयाः, ग्रामेषु गाँव में, नगरेषु च और नगरों में अस्माभिः माने हमारे द्वारा आसवर्धनशीला माने तेजी से बढ़ने वाले, जिनका स्वभाव शीघ्रता से बढ़ने का है, ऐसे पादपाः माने वृक्ष आरोपणीयाः लगाने चाहिए। तो हमें गाँव और नगरों में तेजी से बढ़ने वाले आसवर्धनशीला माने आसवर्धनशीला तेजी से बढ़ने वाले पादपाः आरोपणीयाः माने वृक्ष लगाने चाहिए। इत्थम एव सर्वेषां कल्याणं भविष्यति, इस प्रकार से ही सभी का कल्याण होगा। आगे के पीडीएफ के द्वारा इस पाठ का अभ्यास कार्य आपको भेजा जाएगा, वीडियो को ध्यान से देखेंगे और इसका अधिक से अधिक इसका प्रचार प्रसार भी करेंगे, इसको लाइक करेंगे और शेयर करेंगे।